नमस्कार, मैं अरुण शर्मा, वैज्ञानिक टीम मौसम विज्ञान केंद्र से। सबसे अधिक तापमान वेस्ट एमपी के अंदर 37.3 राजगढ़ जिले में दर्ज किया गया और ईस्ट एमपी के अंदर 39.4 छतरपुर जिले के अंदर दर्ज किया गया। वेस्ट एमपी में रेनफॉल की बात करेंगे तो स्कैटर्ड रेनफॉल को दर्ज किया गया और 3 स्टेशन पे हैवी रेनफॉल को दर्ज किया गया। सबसे अधिक रेनफॉल 92.6 एमएम नर्मदापुर जिले के अंदर दर्ज किया गया है। इसी तरह से ईस्ट एमपी के अंदर रेनफॉल की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्कैटर्ड रहा है और 1 स्टेशन के ऊपर हैवी रेनफॉल को दर्ज किया गया और सबसे अधिक रेनफॉल 84.3 बालाघाट जिले के अंदर दर्ज किया गया है। अगर आज की सिनॉप्टिक सिचुएशन के बारे में बात करेंगे तो मेन मानसून ट्रफ जो है वो गुना और मांडा जैसे जिलों से होता हुआ हमारे बे ऑफ बंगाल की ओर अग्रसर है। साथ ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो एक पाकिस्तान और एडजॉइनिंग जो हमारा इंडिया का रीजन है उसके ऊपर बना हुआ है। एक कच्छ एंड नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी के ऊपर 1.5 किलोमीटर के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, लेकिन इसके सबसे ऊपर जो है एक लो प्रेशर एरिया जो है वो नॉर्थ बे ऑफ बंगाल और एडजॉइनिंग उड़ीसा कोस्ट के ऊपर आज फॉर्म हो गया है और इसके आगे 2 दिन में इसके नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के बढ़ने की जो है वो अभी संभावना आज बनी हुई है। तो इन सब के होते हुए आप देख पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अनेक भागों में इस टाइम जो है वो गरज चमक के साथ भारी वर्षा का दौर अभी जो है वो जारी है। आइए मौसम का गतिविधि के अंदर हैवी रेनफॉल जो है वो रायसेन, राजगढ़, हरदा, बैतूल और बालाघाट जैसे जिलों के अंदर हैवी रेनफॉल जो है वो आज कल भी बना रहेगा। 19-20 तारीख की बात करेंगे तो जो नॉर्थ वेस्ट जो हमारे होता हुआ जो लो प्रेशर एरिया नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा, उसके होते हुए जो हमारे एक्सट्रीम साउथ के जो जिले हैं जैसे नर्मदापुरम, हरदा और बैतूल जिलों के अंदर जो है वो वेरी हैवी रेनफॉल को जो है वो दर्ज किया जाएगा और साथ ही जो हैवी रेनफॉल जो है वो सीहोर, देवास, खांडवा, खारगोन, बुरहानपुर, पांडवा, छिंदवाड़ा, मांडला और बालाघाट जिलों के अंदर 20 तारीख को हैवी रेनफॉल होने की जो है वो संभावना बनी रहेगी। 21 तारीख को फिर से एक बार वर्षा की गतिविधि जो है वो एक्सट्रीम सदर्न राज्य के अंदर जो है वो बढ़ेगी और आप देख पा रहे हैं कि छिंदवाड़ा, खारगोन, खांडवा, हरदा, नर्मदापुर, बैतूल, छिंदवाड़ा और बालाघाट जैसे जिलों के अंदर वेरी हैवी रेनफॉल जो है वो होने की आशंका बनी रहेगी और अनूपपुर जैसे जिलों के अंदर हैवी रेनफॉल और बाकी जिलों के अंदर गरज चमक के साथ वर्षा की गतिविधि जो है वो जारी रहेगी। 22 तारीख को भी वर्षा की गतिविधि जो है वो एक्सट्रीम सदर्न पार्ट के अंदर आप देख पा रहे हैं बड़वानी, खारगोन, खांडवा, हरदा, बैतूल, बुरहानपुर, मांडला और बालाघाट जैसे जिलों के अंदर वेरी हैवी रेनफॉल होने की संभावना डे 5 अर्थात 22 तारीख को बनी रहेगी और साथ ही पन्ना, गुना, भोपाल, रायसेन, सीहोर, देवास और छबुआ, बुरहानपुर और दहाड़ जैसे जिलों के अंदर जो है वो हैवी रेनफॉल होने की संभावना 22 तारीख को बनी रहेगी। अगर वर्षा की पूर्व जानकारी के बारे में बात करते हैं तो एज ए टोटल जो है आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर भी एज ए टोटल लॉन्ग पीरियड एवरेज की बात करें तो अभी मध्य प्रदेश के अंदर जो है वो -6 डिग्री लॉन्ग पीरियड एवरेज से चल रहा है, लेकिन ईस्ट एमपी के अंदर जो है वो -19% जो है वो अभी लॉन्ग पीरियड एवरेज से कम है, लेकिन वेस्ट एमपी के अंदर आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी जिलों में ग्रीन होते हुए जो है वो +7% अधिक है लॉन्ग पीरियड एवरेज से रेनफॉल है।